हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, सेफ होंगे और घर पर रहें और अच्छे से रमज़ान आपके जा रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ अपने चैनल पर चारकोल रोस्ट चिकन। तो आप लोग तंदूरी चिकन खाते हैं, रोस्टेड चिकन खाते हैं, बट ये मैं डिफरेंट तरीके का चारकोल रोस्ट चिकन लेकर आई हूँ अपने चैनल पर, जो बनकर बहुत ही यमी सा तैयार हुआ था और खाने में भी बहुत ही लाजवाब था और बहुत ही जूसी था। तो जो मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपके पास सबसे पहले जाए। एंड हाँ, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड थैंक यू इतना सारा सपोर्ट के लिए, कमेंट के लिए। सो फ्रेंड्स, डोंट स्किप एनी पार्ट एंड वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा एंड कीप सपोर्टिंग मी। लाइक शेयर ट्राई करना ना भूलें और बन जाइए किचन क्वींस। सो इस रमज़ान में बनाए इस रेसिपी को, चारकोल रोस्ट चिकन। तो सबसे पहले इसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। मैंने दो होल चिकन लिए हैं जिसका वज़न 700 या 750 ग्राम के तकरीबन था। छोटे चिकन लेने हैं और अच्छे से मैंने इसको पैट ड्राई कर लिया है। 250 ग्राम के तकरीबन दही है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया था बेसन, 2 टेबल स्पून के तकरीबन बेसन, 1 टेबल स्पून के तकरीबन कुटी लाल मिर्च, 2 टी स्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून नमक, 1 लेमन का जूस ऐड करूँगी मैं इसमें, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट एंड 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, जो वीडियो में मैं दिखाना स्किप कर गई हूँ। तो याद रखें, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालना है एंड चाट मसाले का पाउडर, ये आपके ऊपर है, मर्ज़ी है तो डाल लें वरना कोई बात नहीं। तो बस अच्छे से हमने इस मैरिनेशन को हम तैयार कर रहे हैं। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, ये कितना थिक है। तो बस इस तरह से हम चिकन पे जगह जगह कट्स लगा लेंगे, जिससे कि जो सारे मसाले हों वो चिकन के अंदर तक जाएं। कुछ लोग पूछ रहे थे मैं चिकन चारगा की रेसिपी दूं, होल चिकन रोस्टेड की रेसिपी दूं और होममेड रोटिसरी के चिकन बनाना सिखाऊं। तो ये मैं आज दो चिकन मैंने ले रखे हैं होल चिकन। अगर एक चिकन होता तो मैं माइक्रोवेव में ज़रूर दिखाती कि किस तरह से आपको रॉड में इसको फिट करना है और किस टेम्परेचर में आपको इसको कुक करना है। तो टेम्परेचर तो सेम रहेगा और बस मैं यहाँ रॉड यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ दो चिकन है, इसलिए मैं प्लेटर का यूज़ करूँगी। माइक्रोवेव के साथ जो आती है बड़ी प्लेटर, उसका यूज़ करूँगी और मैं इन दोनों ही चिकन को उसी प्लेटर में कुक करूँगी। पहले मैं एक तरफ कुक करूँगी, फिर जब हाफ टाइम निकल जाएगा तो मैं दूसरी तरफ इसको कुक करूँगी, जिससे कि दोनों तरफ से, हर तरफ से मसाला अच्छे से कुक हो जाए, चिकन अच्छे से कुक हो जाए। तो बस इस तरह से करने के बाद हम इसके दोनों लेग्स को थ्रेड की मदद से टाई कर दे रहे हैं, जिससे कि जब हम इसको कुक कर रहे हों तो इसकी लेग इधर उधर ना जाए, इसका बहुत अच्छा सा शेप बनकर तैयार हो। तो बस अच्छे से हमने चिकन को मैरिनेट कर दिया है सारे मसालों में और इसकी दोनों लेग्स को हमने टाई अप कर दिया है। तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी और बहुत ही आसान तरीका था। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको कढ़ाई या कुकर में भी कुक कर सकते हैं, उसका प्रोसेस मैं आपको बता दूंगी। तो बस इसको हमने मैरिनेशन के बाद 4 to 6 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेट कर दिया था और ये देखिए कितने अच्छे से सारे चिकन पर मसाला स्टिक हो गया है। और अब हम इस पर डालेंगे बटर को, मैंने मेल्ट कर लिया है, हम जगह जगह इस पर बटर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं, बट बटर में इसका टेस्ट ही लाजवाब होता है। और हम इस प्लेटर पे भी जगह जगह बटर ऐड कर देंगे। तो है ना कितनी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप लोग ये रेसिपी कब ट्राई करने वाले हैं। अगर मुझे अपने वीडियो की रेसिपी पर एक कमेंट भी मिलता है, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं अपनी वीडियो को और इम्प्रूव करूँ और मैं क्या रेसिपी लेकर आऊँ। तो बस हमने दोनों चिकन को इस प्लेटर में रख दिया है अच्छे से बटर लगाकर। ये अभी कुक नहीं हुआ है तो इतना यमी और इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो बस ये रेडी हो चुका है, अब चलते हैं अपने माइक्रोवेव की तरफ।
बहुत लोग पूछ रहे थे आप लोग आप मुझे चिकन तंदूरी बनाना सिखाएं या रोटिसरी माइक्रोवेव में बनाना सिखाएं, तो बट ये मैंने दो चिकन लिए हैं तो इसलिए मैंने इसको प्लेटर में डाला है। अगर ये सिर्फ एक चिकन होता तो मैं ज़रूर इसको रॉड में करती, और रॉड में करने से आसानी ये रहता कि मुझे बार बार ओवन को खोल के नहीं देखना पड़ता, क्योंकि रॉड मूव होती और चिकन चारों तरफ से अपना आप ही कुक होता। बट ये दो चिकन थे तो इसलिए मैंने इसको प्लेटर में रखा, और एक तरफ से जब कुक हो गया है तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी और दूसरी साइड की तरफ से कुक करूँगी। तो देखा ना कितना आसान प्रोसेस था चारकोल रोस्ट चिकन बनाने का। तो आप लोग के पास अगर ओवन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, तो परेशान ना हो, आप ये सेम प्रोसेस बड़े बर्तन में कर सकते हैं। बड़ा पतीला ले लें या कढ़ाई ले लें और बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से इसके जब तक सारा मसाला और ये सब ड्राई ना हो जाए आप बड़े बर्तन में कुक करें, और उसके बाद मेरा देसी चारकोल प्रोसेस जो है आप वो कर सकते हैं जो अभी आपको दिखेगा। तो बस मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। हाँ, माइक्रोवेव में मैंने इसको जब रखा था वो प्रोसेस क्या था, जितनी इसकी क्वांटिटी है मैंने वो बता दी थी। और हम इसको तंदूरी चिकन बनाने वाले हैं, हमने उस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया था तो टाइमिंग अपने आप ही आ गई थी कि कितने टाइमिंग में ये बनकर रेडी हो जाएगा, क्योंकि स्मार्ट माइक्रोवेव था। तो बस अब हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बच चुके हैं और ये बनकर हो जाएगा विद इन 50 मिनट्स में रेडी, और ये रेडी हो चुका है। देखिए चारों तरफ से किस तरह से ये कुक हो चुका है, सारे मसाले अच्छे से कुक हो गए, इवन अंदर तक का ये कुक हो चुका है। आप चाहें तो होल चिकन रोस्ट ये रेडी है, आप इस टाइम भी खा सकते हैं, बट मैं इसको चारकोल का फ्लेवर दूंगी, तो मेरा जो देसी चारकोल स्टाइल है मैं उस पर इसको जगह जगह से ब्लैक कर रही हूँ, जिससे कि ये हमें बिल्कुल चारकोल का फ्लेवर दे, और मैं बटर लगाती जा रही हूँ। तो होप सो कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। एंड मस्ट ट्राई रेसिपी है, तो इस रमज़ान चल रहा है तो तरह तरह की डिफरेंट चीज़ें हम बनाते हैं, क्यों ना आप लोग ये भी ट्राई करें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस था चारकोल रोस्ट चिकन बनाने का। तो बस ये रेडी हो चुका है और मैं इस पर और लगा रही हूँ बटर। वाओ, इट्स स्मेल वेरी गुड, के काश आप लोग यहाँ होते। बट कोई भी रेसिपी ऐसी होती है, मैं भी इस बात दफ़ा रेसिपी यूट्यूब पर देखती हूँ, भले मुझे बनाना हो या ना हो, बट मुझे वो रेसिपी अच्छी लगती है तो मैं उसको देखती चली जाती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड डू ट्राई दिस रेसिपी। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।